हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश आईक्यू। मेरा नाम है हरीश। तो गाइस कैसे आप सब लोग, आप सभी शानदार एंड बहुत ही बड़े होंगे। कुछ दिनों के लिए मैं बीमार पड़ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, मगर आज से जरूर आएंगे एंड हमेशा आएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टर्न 15 आ चुके हैं, हमारे गेम के अंदर बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स एंड बहुत ही नया ट्रूप्स एंड नया पेट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ शानदार से अटैक्स देखेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमें लाइव अटैक रिकॉर्ड करने की मौका मिली है एंड ये हमारे बूम सिपर क्लैन पर है। दुर्गेश सिंह ये थी विच स्पैम करते हुए टर्नल 13 के ऊपर। भाई साहब देखिए, आप सभी को ये थी विच पसंद है तो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। भाई साहब देखिए जम भी है इसके पास, दो दो जम स्पेल, पता नहीं कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक तो पता है मुझे टाउन हॉल के कंपार्टमेंट पर करेंगे एंड यहाँ पर देखिए सीसी के आर्मी के ऊपर पॉइजन एंड एक फ्रिज स्पेल। सो सुपर मिनियन जल्दी से जल्दी मर जाएंगे एंड भाई साहब देखिए जम स्पेल का डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है, मगर एक जम स्पेल वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं गए जम्प स्पेल की ओर एंड यहाँ पर फाइनली हमारी क्वीन जाने वाली है टाउनर को टेक डाउन करने एंड ये चली गई एबिलिटी एंड ये चली गई टाउनर। इट्स सो इजी भाई साहब। तो गाइस अभी तक यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल इन्फर्नो टावर बची हुई है, किंग के पास एबिलिटी बची हुई है, कुछ ट्रूप्स है नहीं भाई साहब, एक नहीं भाई दो दो। अरे भाई साहब मेरा नज़र को क्या हो गया भाई साहब, दो इन्फर्नो थी एंड एक को तो वो नहीं टेक डाउन कर पाई हमारी क्वीन एंड एक को टेक डाउन करेंगे हमारी आरसी। कमन आरसी टेक डाउन वन हिट, ओके आरसी ने टेक डाउन कर ली एक इन्फर्नो को एंड अभी तक बहुत सारे विचेस के बच्चे स्केलेटन एंड किंग की एबिलिटी। एंड गाइस इफ यू लाइक दिस अटैक एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेट करता है आप सभी लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी 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 कंटेंट बनाने के लिए। सो गाइस प्लीज इफ यू लाइक दिस अटैक्स, इफ यू लाइक दिस आर्मी स्ट्रेटजी, देन यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस देखिए किंग के एबिलिटी के साथ अंतिम क्षण पर हो चुकी है हमारी टर्नल 13 के ऊपर ये थी विच स्पैन सक्सेसफुल। सो गाइस अब देखेंगे सीधा हमारा दूसरी अटैक जो कि हम करें। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमारे टाउन हॉल 13 से टाउन हॉल 13 के ऊपर हाईबीट आर्मी, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ अटैक। भाई साहब मुझे दो अटैक पर सेम बेस मिला था ऐसा ही बेस लेआउट, मगर मेरा अगला वाला अटैक टाइम फेल हो गया था हाईबीट आर्मी के साथ, क्योंकि मैंने क्वीन चार्ज किया था टाउन हॉल के साइड से। अभी मैं क्वीन चार्ज कर रहा हूँ दूसरी तरफ से, यानी कि वो 3 o'clock से ईगल के साइड से। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है ये ईगल के साइड से हमारे आगे वाले अटैक पर टाइम टेबल हो गई है एंड उसको मैंने वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि मैं टाइम फेल वाला सीन भाई मुझे बहुत पसंद ही नहीं भाई सर, बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके यहाँ पर क्वीन को अंदर घुसना पड़ेगा, कमॉन घुस जा सिंह सिंह घुस जा, ओके अब तो घुस जाएगी। अरे ओके 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 सुपर मीनिंग के ऊपर एक पॉइजन एंड यहाँ पर देना पड़ेगा, हमने चला दिया भाई साहब क्या ही बताऊँ, क्वीन की एबिलिटी हमने चला दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक रेज आएंगे क्वीन के ऊपर एंड किंग और एस बी को हम 6 o'clock पे डिप्लॉय करेंगे एंड सारे हाईबीट आर्मी अंदर की तरफ से आएंगे, पीछे से वार्डन आएंगे। वार्डन की एबिलिटी हम टाउनल के ऊपर नहीं देंगे, टाउनल के ऊपर हम देंगे हीलिंग स्पेल। ठीक है गाइस, ओके अभी तक हमारे पास एक रेज स्पेल बची हुई, वो भी हमने डाल दिया है क्वीन के ऊपर एंड यहाँ पर हमारे आरसी भी है एंड यहाँ पर एक हीलिंग स्पेल आ चुकी है टाउन हॉल के ऊपर एंड यहाँ पर किंग की एबिलिटी भी दबा दिया, क्वीन मरने वाली है, क्या करूँ बचाओ। ठीक है कोई बात नहीं, आरसी पर शिफ्ट हो चुकी है हमारी हीलर्स एंड यहाँ पर एक फ्रिज स्पेल एक्सबो एंड इन्फर्नो के ऊपर एंड वार्डन एबिलिटी। भाई साहब देखिए वार्डन एबिलिटी के अंदर कितने सारे ट्रूप्स है, सारे ट्रूप्स थे, सारे ट्रूप्स भाई साहब
ऐसे ही आप सभी लोगों को भी वार्डन का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पर हमें अभी तक आरसी की एबिलिटी है, आरसी की एबिलिटी बची है, मतलब दिस अटैक इज अ खत्म अटैक गाइस। ये हमारी फाइनली हो गई 3 स्टार। अगली वाला अटैक तो हमारी 3 स्टार नहीं हुआ, क्योंकि क्या ही बताऊँ, टाइम फेल हो गया। कोई बात नहीं, तो गाइस दोनों 13 के ऊपर ये बेस बहुत ही बढ़िया बेस लेवर था। एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस स्ट्रेटजी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू प्लस IQ CUC चैनल। सो गाइस अब देखेंगे अपना लास्ट अटैक होने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया अटैक है, जो आप सभी ने थंबनेल पर भी देखा है। तो गाइस देखिए भाई साहब यहाँ पर है ये वाला अटैक, एनिमी का अटैक है। एनिमी वाले अटैक करते हुए यहाँ पर हाइड्रा आर्मी के साथ बहुत ही बड़ा हाइड्रा आर्मी। एंड भाई साहब देखिए 5-5 स्केलेटन स्पेल, 4 इन भी स्पेल है, मतलब ब्लिम के अंदर या तो सुपर वुजार्ड होंगे, या तो सुपर मिनियन होंगे, या तो सुपर आर्चर हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। गाइस अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ब्लिम फटने वाली है। ओके रेस गिरा दिया, इन भी गिरा दिया। ओके सुपर वुजार्ड से भाई साहब ब्लिम के अंदर। एंड यहाँ पर क्या टेक डाउन कर ली है, सुपर वुजार्ड ने टेक डाउन कर ली है टाउन हॉल को। एंड गाइस अभी तक आरसी का डिप्लोमेंट नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों अब किया गया है। आरसी के लिए एक पैसा बहुत ही बढ़िया दिमाग, आरसी को डिफेंड करने के लिए स्केलेटन स्पेल बंदा बार बार डाल रहा है बार बार। एंड गाइस यहाँ पर आरसी की एबिलिटी है, मतलब दिस बेस इज अ खत्म बेस। एंड भाई साहब अभी तक 3 फ्रीज स्पेल एंड 1 स्केलेटन स्पेल बची हुई है विथ आरसी एबिलिटी। एंड यदि आरसी की एबिलिटी पीछे की तरफ ड्रैगन भी है गाइस, देखिए 3 फ्रीज स्पेल स्वाइक कर दिए, बहुत ही बढ़िया आर्मी भाई साहब। ऐसा आर्मी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो गाइस ऐसा आर्मी के लिए भी एक लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब तो बनती है भाई साहब, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब देखेंगे हमारा ये टाउन 13, पता नहीं मुझे क्यों कैसा ही चूल लगी हुई है कि जब से मेरा टाउन 15 आया है तब से मुझे रस जाने को टाउन 14 जाने को बहुत ही मन कर रहा है। हालांकि मेरा ये बेस फुल्ली मैक्स आउट तो नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों, क्या ही कहूँ भाई साहब, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, बस मुझे टाउन 14 जाना है। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास वो क्या है, हैमर ऑफ बिल्डिंग, वो क्या बोलते हैं समथिंग, कोई है कुछ तो है मेरे पास, उसके मदद लेकर मैं अपने टाउन हॉल को अपडेट करने वाली हूँ। देखिए भाई साहब मेरा क्वीन मैक्स है, वार्डन भी मैक्स है, एंड यहाँ पर देखिए हैमर ऑफ क्या बोलते हैं इसे, हैमर ऑफ बिल्डिंग्स, आज जो कोई भी हो इसे लगा डाला तो लाइक चिंगालाला हो जाएगा भाई साहब। 1, 2, 3 एंड गो, देखिए भाई साहब 14 हो चुकी है हमारे देश। भाई साहब नाराज मत होना, मैं अपना टाउन 12 वाला आइकन को भी मैं 13 बनाऊंगा, 11 वाला आइकन को 12 बनाऊंगा भाई साहब। अब हम धीरे धीरे करके अपने टाउन को बढ़ाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है ये देना, we want to do something more in battle, okay, upgrade your hearts to see how they can help you, okay, इसे अपडेट कर दे दिए बिटर हॉट को। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक खेलते रहेगा खुश रहेगा, keep clashing गाइस।